आज की जो हमारी वीडियो है ये खास है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे जो यूट्यूब की वीडियो से उनके ऊपर एक कमेंट आया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये संदीप सोनी ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है कि सर वीडियो में ये बताएं कि हमारे जो व्यूज़ होते हैं उसके पैसे कब तक मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, क्योंकि चैनल में ना तो कोई बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है और ना कोई अदर ऑप्शन होता है, तो फिर मतलब पैसे कैसे आते हैं। ऑलराइट, तो संदीप सोनी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से इस वीडियो को टिल द एंड तक देखते रहिए और इससे आप पूरा पूरा इस वीडियो की आप इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड तक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब, जो पैसे देती है वो गूगल एडसेंस के थ्रू देती है, ना कि यूट्यूब में कहीं ऑप्शन होगा बैंक अकाउंट ऐड करने का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले एक चैनल बनाना है। जब आपका चैनल बन जाए, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए, जब आपका चैनल बन जाए उसके बाद आपको वीडियो मैनेजर में जाना है। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको जाना है चैनल में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है चैनल में। उसके बाद आपको आना है मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी मोनेटाइजेशन मतलब मोनेटाइजेशन करना है अपनी वीडियोस के ऊपर। मेरी अभी रिजेक्टेड हो चुकी है ड्यू टू सम रीज़न, तो आपको इस पर क्लिक करना है हाउ मच माई वीडियो विल अर्न। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिंक टू माई अकाउंट, तो ये जो आपका चैनल है ये मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो वीडियोज़ होती हैं उनके ऊपर एड आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मोनेटाइजेशन होता क्या है। मोनेटाइजेशन होता है स्पेशली फिर वो आपकी वीडियो के ऊपर एड शो करते हैं यूट्यूब, जिससे कि आपको रिवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है और जो पैसे मिलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जैसे जो पैसे मिलते हैं हमें, वो पैसे कभी भी व्यू के नहीं मिलते, वो ऐड के ऊपर क्लिक होने पे मिलते हैं। और ये डिसाइड रहता है कि कौन सी कंट्री से क्लिक हो रहे हैं। अगर तुम इंग्लिश में वीडियो बनाओगे सीख के, या टूटी फूटी काम चलाओ जैसे भी तुम्हें आते, इंग्लिश में वीडियो बनाओगे तो तुम्हें थोड़ी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन मैं डिसाइड करूँगा, मैं तो तुम्हें यही बताऊँगा कि पहले तुम हिंदी में वीडियो बनाओ ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए। जब तुम हिंदी में वीडियो बनाओगे तो तुम्हें पता लगने लगेगा कि कैसे अर्निंग बढ़ती है, कौन सी वीडियो ज़्यादा चलती है, कौन सी नहीं चलती। और अगर तुमने अभी तक ट्यूबबडी इंस्टॉल नहीं किया है तो ट्यूबबडी इंस्टॉल कर लो, और जब तुम्हारा एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, 6 से 7 दिन लगते हैं ज़्यादा ज़्यादा, उसमें अप्रूव हो जाता है एडसेंस, फिर तुम्हें तुम्हारे अकाउंट पर एक ईमेल आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका एडसेंस अप्रूव हो चुका है, और फिर आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपने एडसेंस में लॉगिन करके देख सकते हैं आपकी अर्निंग कितनी है, और उसमें अब वायर ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो आपके अकाउंट में थ्रू वायर ट्रांसफ़र पैसे भेज देते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ओके, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप पहले अपने चैनल्स को मोनेटाइज कर लीजिए। और इन्होंने पूछा था कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी वीडियो को कोई कॉपी ना करे। तो देखिए, उसके लिए आपको अपनी वीडियोस में वाटरमार्क लगाना पड़ेगा। आप वाटरमार्क लगा लेते हैं तो आपकी वीडियो चाहे भले ही कोई कॉपी कर ले, बट जब उसे पता चलेगा कि ये आपकी वीडियो है, आप असली इसके हकदार आप हैं, तो आप तक पहुंच जाएगा। बाकी अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, किसी ने वीडियो क्लेम मतलब किसी ने यूज़ कर लिया आपका कॉन्टेंट और आप क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप क्लेम मत करिए, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में अगर क्लेम करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए अभी आप सिर्फ वाटरमार्क लगाना शुरू कीजिए। कम से कम आपकी जब तक 200 या 300 वीडियो नहीं होती, तब तक आप वाटरमार्क के साथ ही काम कीजिए, और आप लंबे टर्म तक काम कीजिए। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, बस आप ध्यान से वीडियो बनाइए और देख सोच समझ के YouTube पे सर्च कीजिए पहले। तो जब भी आप वीडियो बनाएं YouTube पे, उसके बारे में सर्च कीजिए, देखिए लोग कैसे वीडियो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए और उसमें बनाना शुरू कीजिए। बस आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप उसमें वाटरमार्क लगाइए। वाटरमार्क लगा देंगे तो बहुत बढ़िया है, आपकी वीडियो कोई कॉपी नहीं करेगा। अगर कॉपी करता भी है तो आपके चैनल की ही पब्लिसिटी होती है। आप समझने की कोशिश कीजिए इस बात को, क्योंकि वो वाटरमार्क देखेंगे और जब उनको आपकी वीडियो का वाटरमार्क दिखेगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और जब उन्हें पता लगेगा कि इस वीडियो के असली हकदार आप हैं, तो जहाँ जहाँ वो वीडियो फैली होगी वहाँ वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ट्रैफिक जनरेट करने का। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर कोई हमारी वीडियो कॉपी कर लेगा तो इससे दिक्कत होगी। बस ये ध्यान रखिए आप कि जब भी आप वीडियो बनाएं तो उसमें वाटरमार्क ज़रूर लगाना है आपको।
वाटरमार्क बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब ये वाटरमार्क क्या होता है, मैं इसको कैसे लगाऊं, मुझे तो वाटरमार्क लगाना भी नहीं आता। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वाटरमार्क जो होता है वो एक तरह का लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी वीडियो के ऊपर शो होगा, जिससे कि आपका कंटेंट कोई चोरी नहीं कर सकता, या अगर वो अपलोड करता भी है तो आपका कंटेंट वो आपका ही रहेगा, उसमें आपका लोगो शो होता रहेगा। और ये बहुत अच्छा जरिया होता है ट्रैफिक जनरेट करने का। तो आप सपोज़ कर लीजिए कि आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, तो वाटरमार्क के लिए मान लीजिए आपने ये हमारे पास आ गया, ये हमारा वाटरमार्क है, ठीक है। वैसे तो आप जितना हो सके PNG फाइल्स को वाटरमार्क यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो अब आप एडिटिंग के लिए कोई अच्छे से प्रोग्राम यूज़ कीजिए, मैं तो वेगस यूज़ करता हूँ। मान लीजिए ये हमारी वीडियो है, तो अब इस वीडियो के ऊपर हमें वाटरमार्क लगाना है। तो आप वीडियो ले आइए, अगर आप सोनी वेगस के बारे में अगर पूछना चाहते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं उसमें आपको पूरा समझाऊंगा। तो उसके लिए आपको पहले मुझे कमेंट में बताना होगा, देखिए ये वाटरमार्क है, ये वाटरमार्क हमने यहाँ पर पुट कर दिया, अब देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। इसके बाद आपको इसका साइज़ वगैरह जहाँ पर आपको अच्छा लगे इसको उठा के अपनी पूरी वीडियो में कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आप अपना खुद का पर्सनल भी बना सकते हैं, तो इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं अपनी वीडियोज़ में, ऊपर नीचे जहाँ आपका दिल करे। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा काम है वैसे ये, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, और फिर इसको इंटायर वीडियो के ऊपर आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, और इसको फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, यानी कि जब आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तो ये इस तरह से, जो हमारी वीडियो है ये खास है, ये इस तरह से, मतलब जब आपकी ये वीडियो स्टार्ट होगी तो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये वाटरमार्क आपने फेड लगाया तो ये देखिए अब धीरे धीरे वाटरमार्क आपका यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आप जब आपका यहाँ से फेड आउट होगा तो भी बहुत ईजली फेड आउट हो जाएगा, और ये इतना वो भी नहीं लगता ऑकवर्ड सा, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से यहाँ से ये फेड आउट हो गया। तो इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क के बाद कोई वीडियो कॉपी करता है तो इसमें आपका ही प्रॉफिट, आप उस वीडियो को डिलीट मत कीजिए और कंटेंट पे क्लेम भी मत कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए वो सारी ट्रैफिक आपको ही मिलेगी। तो ये सीक्रेट टिप्स थी जो कि मैंने स्पेशली रिक्वेस्टेड वीडियो ये बनाई है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। और आपको ये कैसा लगा हमारे वीडियो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।